नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खाद देने के एक ऐसे तरीके के बारे में जिसकी मदद से अगर आपके चीकू के पौधे में फल नहीं लग रहा है या फूल जो है पूरा फल में डेवलप हुए बिना झड़ जा रहा है, तो इन सभी समस्याओं से निदान आप इस खाद देने के तरीके से पा सकते हैं। ये तरीका मेरा ईजाद किया हुआ नहीं है, अलग अलग कृषि अनुसंधान, अलग अलग कृषि वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है और सभी फलदार पौधों में इसको इफेक्टिव पाया है ज़्यादा फल लेने के लिए। ये खाद देने का तरीका क्या है, इस खाद देने के तरीके में हमने खाद कौन सी इस्तेमाल करनी है और क्या क्या हमें करना है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे जाए, मैं इस तरीके का मेरे पौधे के ऊपर जो अच्छा रिजल्ट है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा चीकू का पौधा है जो कि तकरीबन 3 साल पहले मैंने लगाया था और इसके ऊपर मैं 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। हर सीजन में जो फ्रूटिंग सीजन होता है, हर एक में इसके ऊपर अच्छी जो है फलों की मात्रा लगती है और ये आप देख सकते हैं, इसकी हर ब्रांच पे आपको जो है फल जो है अभी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। नई ब्रांचेज इसके ग्रोथ सीजन में हमेशा काफ़ी अच्छी आती है और पूरा पौधा जो है नई ब्रांचेज से भर जाता है। हर टहनी के ऊपर आपको फल देखने को मिलेगा। तो ये तरीका मैं लगातार इस पौधे के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके हमेशा मुझे अच्छे रिजल्ट अपने पौधे में देखने को मिले हैं। ओवरऑल पौधे की जो ग्रोथ है उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट या बेनिफिट मुझे देखने को मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये तरीका जो है ये इतना इफेक्टिव क्यों है। इसका कारण है कि जितने भी फलदार पौधे हैं सभी को न्यूट्रिएंट की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है और सही समय पर आवश्यकता होती है, लेकिन खाद भी हम इस प्रकार से दें कि पौधे को कोई नुकसान पहुँचाने की बजाय खाद फायदा दे। तो इस तरीके से खाद अगर आप अपने पौधे में देते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपने चीकू के पौधे में। तो ये रिंग मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन है, मैंने इसके बारे में पहले भी कुछ वीडियो में बताया है। तो आपको करना क्या है कि पौधे का जो स्टेम है, जो तना है, चाहे वो चीकू का पौधा हो या दूसरा कोई पौधा हो, 2 इंच चौड़ा और 2 इंच गहरा गड्ढा इस तरह से आपको तैयार करना है सर्कुलर फॉर्म में। ये हम क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर हमें फिर तकरीबन 1 इंच लेयर जो है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की कोई खाद है, ऑर्गेनिक खाद जो है, उससे इस गड्ढे को भर देना है। अब ये हम सीधा सीधा खाद जो है पौधे के आसपास वैसे भी डाल सकते हैं। ये रिंग मेथड क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो न्यूट्रिएंट सर्च करती है। अगर हम सीधा सीधा पौधे के आसपास खाद डाल देते हैं तो एक तो इसके स्टेम के पास इकट्ठा हो सकती है खाद और स्टेम को गड़ा छड़ा सकती है, दूसरा पौधे की जड़ें जो है एक एरिया के बाहर जाना जो है उसके लिए उत्साहित नहीं होती है। अगर आप चारों तरफ इस तरह से सर्कल बनाकर खाद देते हैं तो पौधे की जो जड़ें हैं वो चारों डायरेक्शन में अच्छे से ग्रोथ करती है और उसी प्रोपोर्शन में पौधे में ऊपर भी ग्रोथ होती है। इसके अंदर आप चाहे तो बैलेंस्ड फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो इसको इस्तेमाल मत कीजिए। ये NPK 19-19-19 है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 महीने में एक बार। इस तरह से 1 चम्मच भर NPK 19-19-19 यानी NPK 19-19-19 और वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या दूसरी तरह की कोई ऑर्गेनिक खाद है, वो आप अपने पौधे के चारों तरफ इस तरह से 1 फीट के डिस्टेंस पर स्टेम से गोलाकार आकृति में गड्ढा बनाकर 2 इंच चौड़ा, 2 इंच गहरा, उसको इस खाद से भरकर आप अच्छे से ढक दीजिए। अब ये जो हमने सर्कल बनाया है इसको ढक क्यों रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि पानी के भाव के साथ में सारी खाद पौधे के स्टेम के आसपास आके इकट्ठी ना हो और जो हमारा पर्पज है कि पौधे की जड़ें चारों तरफ फैले वो फेल ना हो। आप ये तरीका इस्तेमाल करके देखिए, आपको जरूर इसके अच्छे बेनिफिट अपने पौधे में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके किसी न किसी काम जरूर आएगी। अगर ये आपके काम की जानकारी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। नए दर्शक हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए और लगातार ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।